तो गाइस इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ग्रुप फोटोग्राफी में सभी पर फोकस कैसे करें, किस तरीके से डीएसआर को सेट करना, इसके बारे में 6 तरीका बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे काफी सारे व्यूअर्स को इस तरीके से डाउट होता है कि सारे लोग फोकस में क्यों नहीं आता, या तो फोकस पॉइंट कहाँ पे रखे, या तो कुछ लोग ऐसे होते जो डिस्टर्ब हो जाते, यानी कि ग्रुप फोटोग्राफी हम करते जिसमें कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते, आते ही नहीं, फोकस में नहीं आते, ब्लर हो जाते, तो इस तरीके से डाउट होता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ से ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप आसान तरीके से ग्रुप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले, तो देखते रहे पूरी वीडियो। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूले। तो गाइज हम फर्स्ट पॉइंट समझते हैं कि जो भी आपका डीएसआर होता है उसमें आप आपने पहले से सेटिंग कर रखी होगी या तो सेटिंग होगी जिसमें AF एरिया मोड ऑप्शन होगा, उसमें आप आपने सिंगल फोकस पॉइंट रखा होगा तो उसमें आप आपको चेंजेस कर देना, यानी कि फोकस पॉइंट या तो ऑल फोकस पॉइंट इस तरीके से ऑप्शन होगा तो उसको यहाँ पे आपको पहले सिलेक्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप फोटोग्राफी करोगे जिसमें जो भी यहाँ पे आपका ग्रुप होता है उसमें पे सभी पर फोकस पॉइंट होगा और जो भी आपकी फोटो है वो बेहतरीन आएगी। इसके बाद यहाँ पे और डिप में हम समझते हैं ताकि आपको और ज्यादा पता चले, यानी कि कहीं पे हम फोटोग्राफी करने के लिए जाते जिसमें जो भी हमारा ग्रुप होता है उसमें पे क्या होता है, 2 लोग आगे होते, उसके पीछे 4 लोग होते, इसके पीछे 6 लोग होते, तब हमको फोकस पॉइंट कहाँ पे रखना है, किस तरीके से हमको फोटोग्राफी करनी ताकि हमारा जो भी फोकस है वो सभी पर पड़े और जो भी हमारी पिक्चर है वो बेहतरीन आए। तो इस तरीके से आप फोटोग्राफी करते हो जिसमें जो भी हमारा फोकस पॉइंट है वो बीच में रखना है, आगे वालों पे नहीं, पीछे वाले लोगों पे नहीं, लेकिन बीच में यहाँ पे आप रखते हो, सेंटर पे रखते हो, जिसकी वजह से जो भी आपकी इमेज है वो बेहतरीन आएगी, सभी पर फोकस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेटिंग करना, इस तरीके से यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करना। फोटो में देर लगेगी लेकिन जो भी यहाँ पे आपकी फोटो है वो शार्प आएगी, पूरी क्लियरिटी के साथ आएगी। तो इस तरीके से ग्रुप फोटोग्राफी में ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं कि कई सारे डीएसआर में हम अलग अलग लेंसेज यूज करते जिसमें हम अपेचर तो सेट करते लेकिन जो भी हमारा अपेचर होता है उसको यहाँ पे बहुत ही कम नहीं कर देना। क्या होता है यहाँ पे मेरा अपेचर जो भी है वो 1.5 2.5 इतना हम रखते जिसकी वजह से जो भी हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो भी आपकी इमेज है या तो व्हाइट हो जाएगी या तो जो भी आपकी इमेज है वो पूरी ब्लर हो जाएगी, इस तरीके से प्रॉब्लम होगा। जिसमें ग्रुप फोटोग्राफी करते समय जो भी आपका लेंस है उसमें अपेचर कम नहीं कर देना, पूरा कम नहीं कर देना, लेकिन जो भी हमारा अपेचर होता है वो 4.5 8.5 इसके बीच में रखते हो तो जो भी आप फोटोग्राफी करते हो ग्रुप फोटोग्राफी वो बेहतरीन आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा मिलते, रेजुलेशन ज्यादा मिलते, इसकी वजह से जो भी हमारी फोटो है वो बेहतरीन आती, शार्प फोटो आती। कोई भी आपके पास लेंस हो, वो चाहे मिरर लेंस हो 1855 हो 7300 लेंस हो या तो उससे ज्यादा हो, लेकिन जो भी हमारा अपर्चर है वो पूरा कम नहीं कर देना, पूरा ऑन नहीं कर देना, नहीं तो जो भी आपकी फोटो है जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे जितने यहाँ पे ब्लर होने चाहिए जितनी डेप्थ ऑफ फील्ड होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से प्रॉब्लम होगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि जो भी हम ग्रुप फोटोग्राफी करते उसमें जो भी हमारा डीएसआर होता है उसमें जो भी हम लेंसेज यूज करते तो पूरा जूमिंग नहीं कर लेना, यानी कि कई सारे व्यूअर्स क्या करते 114 लेंस यूज करते जिसमें पूरा लेंसेज से यहाँ पे जूम कर लेते, जो भी हमारा ग्रुप और यहाँ पे जो भी हम फोटोग्राफी करते उसके बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती, तो इतने भी दूरी नहीं रखना, दूरी रखना जो भी हम डिस्टेंस रखते वो तो हमको रखना, लेकिन आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यानी कि मेरे पास आप देखोगे 14 लेंस है जिसमें जो भी हमारा लेंसेस है उसमें पे जूम आपको रखना है 35 या तो 50 इसके बीच में, या तो इतना ही यहाँ पे आपको रखना है जो भी आपके पास लेंस है उसको यहाँ पे आपको थोड़ा ही जूम कर लेना। इसके बाद जो भी हमारा ग्रुप होता है जो भी हम फोटोग्राफी करते उसके बीच में इतना ही डिस्टेंस रखना है जितना हमको कैप्चर करना है, हमारे डीएसआर में कैप्चर करना है, ज्यादा यहाँ पे दूरी नहीं रखनी या तो ज्यादा पास में ही नहीं जाना। इतना जूम करके हम फोटोग्राफी करते जिसमें जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे फोकस होता है वो सभी पर फोकस होगा और फोटोग्राफी अच्छे से अच्छी होगी। तो जो भी आपका डीएसआर होता है उसमें आप सब कुछ सेटिंग कर लेते हो लेकिन जो भी हमारा डिस्टेंस होता है वो सही तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से जो भी हमारी इमेज होनी चाहिए जो भी हम शार्प फोटोग्राफी चाहते इस तरीके से फोटोग्राफी नहीं होती। तो आपको पहले ये ध्यान रखना, यानी कि कैमरा तो सेटिंग कर लिया लेकिन सही डिस्टेंस नहीं होगा जिसकी वजह से जो भी हमारी इमेज होनी चाहिए वो बेहतरीन नहीं आएगी, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि जो भी हमारा डीएसआर होता है उसमें ISO, अपर्चर, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस वो सब हम सेटिंग करते हैं,
जिसमें क्या करते हैं, काफी सारे व्यूवर्स क्या करते हैं, लो लाइट में हम फोटोग्राफी करते हैं जिसमें जो भी हमारा फेस लाइट है वो यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन फेस लाइट से यहाँ पे आप फोटोग्राफी करोगे तो अच्छी फोटो नहीं आएगी। तो फेस लाइट आपको यूज नहीं करना, लेकिन लाइटिंग यहाँ पे पोर्ट्रा लाइट को यहाँ पे ज्यादा यूज करना, ताकि जो भी आपकी इमेज है वो बेहतरीन और यहाँ पे शार्प आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो भी हम आईएसओ सेटिंग करते हैं कि लाइटिंग को देख के हम आईएसओ सेट करते, अपर्चर सेट करते, जिसमें जो भी हमारा आईएसओ होता है उसमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देना नहीं। काफी सारे व्यूअर्स क्या करते हैं, 800 पे रखते, 1000 पे रख देते, 1500 कर देते, 2000 तक कर देते, इस तरीके से आप आईएसओ करते जिसकी वजह से जो भी आपकी इमेज होते उसमें यहाँ पे नॉइस आएगी। कि आईएसओ को जितना यहाँ पे बढ़ाओगे तो आपकी इमेज में नॉइस इतनी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो भी हमारा आईएसओ है वो मैक्सिमम आपको 400 पे रखना है। तो गाइज आपका आईएसओ जो भी है उसको बढ़ाना नहीं, और जो भी हम फेस लाइट यूज करते हो उसमें पे ज्यादा से ज्यादा ग्रुप पिक्चर खींचने की कोशिश मत करें, लाइटिंग को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, उसमें पे आपकी जो भी इमेज है वो बेहतरीन और शार्प देखने को मिलेगी। काफी सारे व्यूअर्स कौन सी गलती करते हैं, यानी कि जो भी उनके पास डीएसएलआर होता है वो क्रॉप सेंसर वाला डीएसएलआर होता है, उसमें हम ग्रुप फोटोग्राफी करते हैं जिसमें जो भी हमारी इमेज होती है उसमें पे हाई रेजोल्यूशन नहीं मिलता, पहले से उसके डिटेल्स नहीं मिलती, जिसके वजह से जो भी हमारी इमेज है वो बेहतरीन हमको नहीं देखने को मिलती, ब्लर जैसा देखने को मिलता है, यानी कि जो भी हमारा एरिया होता है यानी कि इमेज एरिया होता है उसके यहाँ पे आसपास देखोगे जो ब्लर हो जाता है, जो भी हमारा फोकस होता है वो यहाँ पे बीच वाले यानी कि सेंटर जगह पे ही यहाँ फोकस होता है, इतने एरिया पे ही यहाँ पे फोकस वाली फोटो आती है, शार्प फोटो आती है, लेकिन साइड में आप देखोगे जिसमें यहाँ पे ब्लर हो जाता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होता है जब यहाँ पे क्रॉप सेंसर में ग्रुप वाली फोटोग्राफी करते हो तब। लेकिन कई सारे व्यूवर्स, कई सारे बिगनर फोटोग्राफी क्रॉप सेंसर में भी ग्रुप वाला फोटोग्राफी कर, लेकिन आपको क्रॉप सेंसर वाला डीएसएलआर में ग्रुप फोटोग्राफी करनी तो कैसे कर सकते। तो आपका जो भी डिस्टेंस है उसको बढ़ाना होगा, और सही तरीके से इमेज आए और ऑटो फोकस को ऑन ही रखना, और जो भी यहाँ पे मैंने आगे सेटिंग बताया वो सेटिंग आपको करना है, यानी कि सिंगल फोकस पॉइंट आपको नहीं रखना, फोकस पॉइंट रखना है उसमें यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो जिसमें जो भी हमारी इमेज क्वालिटी है वो फुल फ्रेम सेंसर जो भी डीएसएलआर होता है उसमें पे क्वालिटी मिलती उतनी क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं जिसमें पे अच्छा खासा एडिटिंग करोगे जिसमें जो भी आपकी इमेज है वो बेहतरीन देखने को मिलते हैं। लेकिन आप क्रॉप सेंसर में ग्रुप वाली फोटोग्राफी करते हो जिसमें पे दिक्कत होगी। लेकिन बिगनर फोटोग्राफी है, आपको डीएसएलआर के बारे में और ज्यादा आप पे नॉलेज है और आपको सभी सेटिंग के बारे में पता है तो आप अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट समझाता हूँ। देखिए काफी सारे व्यूअर्स कौन सी गलती करते हैं, कि जो भी हमारा डीएस होता है उसमें हम लेंस की सेफ्टी के लिए फिल्टर यूज करते हैं। तो आपको ग्रुप फोटोग्राफी में कभी भी लेंस में यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, जिससे क्या प्रॉब्लम होगा, जो भी हमारा फोकस होना चाहिए वो फोकस सही तरीके से नहीं होगा, इमेज में यहाँ पे नॉइस आएगी, क्योंकि जो भी हम फिल्टर यूज करते हैं 200-500 वाला जिसमें जितनी क्लियरिटी होनी चाहिए उतनी क्लियरिटी में हमको फोटो नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो भी हमारी इमेज है उसमें पे डॉट दिखाई देता है, या तो क्रैश दिखाई देता है, या तो ब्लर जैसा इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें पे फिल्टर कभी भी आपको यूज नहीं करना, लेकिन ओरिजिनल यहाँ पे फिल्टर यूज करते हैं जिसमें इस तरीके से दिक्कत नहीं होती, तो वो यहाँ पे खास आपको ध्यान में रखना होगा। तो ग्रुप फोटोग्राफी में इस तरीके से यहाँ पे इस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, इस तरीके से यहाँ पे आप ध्यान में रख के फोटोग्राफी करते हो जिसकी वजह जो भी आपकी इमेज है वो बेहतरीन आएगी, शार्प फोटो आएगी, और यहाँ पे जो भी आपकी क्लियरिटी आप चाहते इस तरीके से क्लियरिटी मिलेगी। सो गाइस यहाँ पे आप ग्रुप फोटोग्राफी करना चाहते जिसमें कोई भी ऐसा डाउट है, या तो कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही, या तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो दिक्कत आ रही, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे नई नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।